तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब सब खरीदी है। अगर मेरा सुझाऊगा तो अगर मान लीजिएगा तो इस 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा, आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। अब बुरा हाल है तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार पूरे देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं। और जो चीज चल रही है देख रहे हैं ना, कोई काम तो होता नहीं। और जो नई नई नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अप्रशंसा अपनी। और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए, और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर दो देश हो गया लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है, और लेकिन इसके बाद भी इधर से उधर करने का सब शुरू हो गया है। तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा हम लोगों को, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जाति के हो, सबको एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प। और अगर ये होगा तभी सबके लिए मिलजुल करके लड़ेंगे। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब सब कही दी है, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब तक हम तो जाकर दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। आज आप आए हुए हैं तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाऊगा तो अगर मान लीजिएगा तो इस 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा, आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है, अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा।